मैम अरीबा का फोन यस मैम होने वाला है। आजिम बेटा के बाल माशाल्लाह अच्छे हैं, फिलहाल काम लिखो। मैम कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मेरा कैमरा एक ही जगह है बेटा, ये आपको ये हो रहा है। हाजिम जरा मुझे बुक्स दिखाइए, आपने क्या लिखा, बुक दिखाइए मुझे। मैम मेरे पास नई बुक नहीं है। आपके पास पुरानी बुक है? मैम ओके मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी अभी, डोंट वरी। डैश टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। हम किससे बॉडी टेम्परेचर देखते हैं? जब हमें फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर किस चीज का इस्तेमाल करता है? थर्मोमीटर। यहाँ पर आप थर्मोमीटर लिखेंगे, THERMOMETER, थर्मोमीटर। आर डैश टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर देखना होगा, थर्मोमीटर मुझे पहले बोले इनमें से कौन है थर्मोमीटर, ये है। तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे इस सर्कल में, ठीक है। फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वालेकुम अस्सलाम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज से हम करते हैं? मैम थर्मामीटर की स्पेलिंग बोलिए। THERMOMETER, थर्मोमीटर। नीचे जो क्लू बॉक्स है वहां पर पहले ही इसकी स्पेलिंग दी गई है। फिफ्थ है, इसको आएगा बैरोमीटर। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर ये हो गया, इस पे आप 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर है अ डैश टू मेजर टाइम। इससे हम वक्त को मेजर करते हैं, इसको कहते हैं वॉच, घड़ी, WATCH। यहाँ पर आप घड़ी 6 लिखेंगे, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट उठाऊं? आप क्या करेंगे फिर क्लास में? अभी आपकी क्लास है, लिखो, बेहतर है लिखना। किया फिनिश? या फिर मैम दिखाइए। ओके आप जिनके पास दूसरी वाली जीके बुक है आप दिखाइए। अब आपके लिए मैम आप दूसरा पुरानी का दिखवाए। हाँ जी अब हम वो वाली पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी वाली जीके बुक, पुरानी वाली, ये वाली जीके बुक यही है ना, ये फोटो स्टैट है, दैट्स व्हाई ये ब्लैक। मुझे नहीं है अदीबा, आपको ये नहीं है मैम। अदीबा आपको यही है, लेकिन मुझे ये थोड़ी ब्लैक है, आपको ये कलर्ड है, ठीक है, वरना ये यही है। ओके ये फोटो स्टैट है। पेज नंबर क्या निकालना है? मैं पेज नंबर ये निकालना है 46, ठीक है मैम। मुझे ऐसे है मैम, मुझे ऐसी बुक है। जरा कौन सी वाली है? हाँ ये यही है, मगर अब आपको कलर्ड है और मुझे ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि फोटो ये एक जैसी बुक है। यहाँ पर कुछ क्लू दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बताना है ये किसके बारे में बात हो रही है। वहां पर इसके लिए शक्ल भी बनाई गई उन चीजों की। तो पहला क्या वर्ड है? आई हैव फुट बट देयर आर नो लेग्स। आपका वीडियो ये ब्लैक आ रहा है, अब सीधे रखिए वीडियो। पहला है रिडल, ठीक है। पहला रिडल क्या है? ये कह रहा है कि मेरे पास क्या है? मैं पेज नंबर क्या है? अकील आपके पास ये बुक नहीं है, आपके पास वो वाली नई वाली बुक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास पुरानी वाली बुक है। मैम ये मेरे पास भी है। अगर आप इसमें भी लिखेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिए। मैम हमें नहीं है, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 46। जिनके पास नई बुक है वो नई बुक पे लिखेंगे, जिनके पास पुरानी है उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ रिडल्स दी गई है, कुछ क्लोज दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये क्या है। ये जो है यहाँ पर हमें उस चीज का नाम लिखना है, वो क्या कह रहा है उसके, आई हैव फुट, उसके पास फुट है, ठीक है, लेकिन उसके पास लेग्स नहीं है। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? वो स्नेल है,
ठीक है, ये कीड़ा है जो पानी में पाया जाता है, इसके पास लेग्स है लेकिन इसके पास फुट है लेकिन लेग्स नहीं है, तो यहाँ पर आप स्नेल लिखेंगे, एस एन ए आई एल, स्नेल। जिनके पास नई बुक है ना, जो आज मैंने एक्सरसाइज दिखाई, तब तक वो लर्न करेंगे। आयान कीजिए तब तक लर्न जो आज आपने एक्सरसाइज पढ़ी। फिर है दूसरा, आई ऑलवेज कम डाउन एंड नेवर एवर गो अप, थिंक 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 एंड थिंक वी ऑल जस्ट लव इट, व्हाट एम आई, मैं हमेशा ऊपर से नीचे आता हूँ और कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, सोचिए मैं क्या हूँ, ये बारिश है वो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाते कभी, सो यहाँ पर रेन आएगा, आर ए आई एन, रेन। फिर है आई हैव मोर देन 80 कीज, ये बोल रहा है मुझ में लगभग 80 से ज्यादा कीज है, बट आई कैन नॉट ओपन एनी लॉक, लेकिन मैं कोई चाबी नहीं खोल, मैं किसी चीज को नहीं खोल सकता, मैं क्या हूँ, पियानो, पी आई ए एन ओ, पियानो। इसकी जो ये है ना बटन जिनको बजाया जाता है, जिनसे साउंड निकलता है, उनको कीज बोलते हैं, लेकिन चाबी नहीं है मतलब, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी आई ए एन ओ, पियानो, ठीक है, लिखा सबू ने, आप सर को हिलाइए मुझे समझ में आ जाएगा, आप लोग वहां से बहुत शोर करते हैं। फिर है नेक्स्ट, इफ आई ड्रिंक समथिंग, अगर मैं कुछ पीऊंगा देन आई एम जस्ट फिनिशर, तो मैं खत्म हो जाऊंगा, हाउएवर आई कैन ईट एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ भी खा सकता हूँ, क्या, फायर, आग, आग में हम कुछ भी अगर डालेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमने उसमें पानी डाला तो आग खत्म हो जाएगी, है ना, फायर। आई लुक टॉलर व्हेन आई एम यंग बट एज आई गेट ओल्ड आई बिकेम शॉर्टर एंड शॉर्टर, व्हाट एम आई, मैं जब जवान होता हूँ तो मैं लंबा होता हूँ, लेकिन फिर जब मैं बूढ़ा होता हूँ मैं कम 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 हो जाता हूँ, वो है कैंडल, क्योंकि जब हम कैंडल लाते हैं तो वो लंबी होती है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो वो शॉर्ट 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 हो जाती है ना। फिर है आई लॉस माई हेड रेस्ट इन द मॉर्निंग, मैं अपना सिर सुबह खो देता हूँ, बट आई ऑलवेज गेन इट एट नाइट, लेकिन फिर मैं शाम को उसको वापस पाता हूँ, कौन है, पिल्लो, जो आप सोने के टाइम अपने सर के नीचे रखते हैं उसको नहीं, फिर सुबह हम उसको वैसे ही छोड़ते और चले जाते हैं, फिर शाम को फिर से पिल्लो इस्तेमाल करते हैं, अपने सर के नीचे रखते हैं, है ना, लिखा साबू ने। फिर है नेक्स्ट, आई ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट आई कैन नॉट मूव एंड जस्ट स्टे इन द सेम स्पॉट, व्हाट एम आई, मैं सबसे लंबा हूं दुनिया में, सबसे लंबा हूं, लेकिन एक सेकेंड, आई ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट आई कैन नॉट मूव एंड जस्ट स्टे इन द सेम स्पॉट, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ लेकिन खुद कहीं नहीं जाता हूँ, मैं खुद हरकत नहीं कर सकता हूँ, मैं हमेशा अपनी जगह पे रहता हूँ, मैं कौन हूँ, पोस्टेज स्टैम्प, आपने स्टैम्प देखी होंगी, लेटर्स में भी होते हैं, आपने देखा होगा वो इसमें क्या बोलते हैं इसको, लेटर्स वगैरह में हम स्टैम्प्स लगाते हैं, ये वाली स्टैम्प, ये पूरी दुनिया घूमते हैं ये लेटर्स, मगर ये मतलब खुद घूमता है ना, इसको कहते हैं पोस्टेज, पी ओ एस टी ए जी, पोस्टेज, एस टी ए एम पी, स्टैम्प। फिर है स्टार्स, एस टी ए आर एस, स्टार्स, क्यों, क्योंकि आई विजिट यू एवरी नाइट, मैं हमेशा शाम को आता हूँ, इफ यू डोंट कॉल मी, अगर आप मुझे बुलाएंगे भी नहीं फिर भी मैं शाम को आऊंगा, क्योंकि स्टार्स तो शाम को ही आते हैं, आई लॉस्ट ड्यूरिंग द डे, लेकिन सुबह होते ही मैं गायब हो जाता हूँ, वो स्टार्स। फिर अगला है नाइन्थ, को आएगा स्टोन यानी पत्थर, ठीक है, आई एम फाइव लेटर वर्ड, मुझ में पांच लेटर्स है, एस टी ओ एन ई है ना, इसमें पांच लेटर्स, I became single and very strong. और मैं बहुत strong हूँ, पत्थर बहुत strong होता है. I became single when you remove two letters from me. What am I? मैं
सिंगल बन जाऊंगा जब आप दो लेटर्स मुझ में उठाएंगे, जैसे मैं एस टी नहीं लिखूंगी तो वहां पर क्या बनेगा, ओ एनी वन, है ना? तो ये सिंगल बनाना, एक बनाना, आया समझ? लिखा, जरा पहले मुझे बोलो आप लोगों ने इतना लिखा। यस मैम, हमने लिखा पर मैंने फोर वाला नहीं लिखा, फोर वाला मुझे नहीं को फायर आएगा, एफ आई आर ई फायर। अगर किसी ने अभी नहीं है बुक, आप देखो मुझे क्या आ रहा है यहाँ, जरा क्या आ रहा है, किसको ये बुक नहीं है, किसको ये बुक नहीं है बेटा? मैंने दोनों बुक्स पढ़ाई, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि इसका हेड भी होता है एंड टेल भी, लेकिन इसकी बॉडी नहीं है। हम नहीं बोलते हैं कॉइन में हेड एंड टेल होती है, हेड एंड टेल मतलब क्या, इसका एक साइड हेड कहाँ जाता है, दूसरे साइड को टेल कहाँ जाता है, लेकिन इसकी कोई बॉडी नहीं है ना। मैम इसको क्या लिखना है? कॉइन, कॉइन, कॉइन क्या स्पेलिंग? सी ओ आई एन। फिर है 11, जिसको है शेडो, शेडो हो गया साया। व्हाट इज एज बिग एज यू आर एंड येट डज नॉट वेट एनीथिंग, मैं उतना बड़ा हूँ जितना आप है लेकिन मेरा कोई वजन नहीं होता, क्या साय का कोई वजन होता है? शेडो की स्पेलिंग बोलिए, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू, शेडो, शेडो। मैम आपकी 12 का दिखाइए, 12। व्हाट इज ग्रीन? ओके, यहाँ पर पैरट है, पी ए आर आर ओ टी। व्हाट इज ग्रीन बट नॉट अ लीफ, मैं ग्रीन हूँ लेकिन लीफ नहीं हूँ मैं, ये जो है मैं ग्रीन कलर का तो हूँ लेकिन मैं कोई लीफ नहीं हूँ। कॉपी इज अनदर बट इज नॉट अ मंकी, मैं दूसरों को कॉपी करता हूँ, उनकी नकल करता हूँ लेकिन मैं बंदर नहीं हूँ, ये पैरट है। फिर है हाइट, एच ई आई जी एच टी, मैं ऊपर जाता हूँ फिर कभी वापस नहीं आता। आपकी हाइट मानो आज 3 इंच की है तो जब आप बढ़ोगे ये 4 इंच की हो जाएगी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की हाइट कम हुई है? नहीं, ये जितना ऊपर ऊपर जाती है फिर वापस नहीं आती है। कॉम क्या है, जिसकी जिसके दांत नहीं है, जिसके दांत है लेकिन वो खाता नहीं है कॉम, ठीक है? इसके जो ये होते हैं ना कॉम के, इनको टीथ कहते हैं। मैम मैम प्लीज 12 वाला दिखाइए, 12 वाले को पैरट है बेटा, पी ए आर आर ओ टी। मैम आपका कैमरा ब्लैक आ रहा है, आप ठीक? मेरा कैमरा बेटा ऑन है। मैम आज मैम आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको ब्लैक ब्लैक आ रहा है मैम, ये बुक है ना ब्लैक? ये बुक ही ब्लैक है, ये फोटोस्टैट है मैम, ये बुक है ना ब्लैक? हाँ मेरी बुक ब्लैक है, आपकी बुक ब्लैक नहीं है। मैं आपको कैमरा दिखा रही हूँ वो ब्लैक हो जाता है, आपकी फोन कैमरा में खराबी आ रही है। प्लीज 12 वाला दिखाओ, जिसको ब्लैक आ रहा है 12 वाला दिखाओ, जिसको ब्लैक आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बाद में स्क्रीनशॉट भी सेंड करूंगी, ये सॉरी मैं ग्रुप में ये पेज सेंड करूंगी, ठीक है? ये क्या बोल रहा है, आई हैव हैंड्स बट कैन नॉट होल्ड अ थिंग, मेरे पास हैंड्स है लेकिन मैं किसी चीज को पकड़ नहीं सकता, इसको क्लॉ कहेंगे क्योंकि क्लॉ के जो ये है ना इसको हैंड्स कहते हैं, ठीक है? जैसे आर हैंड कहते हैं, मिनट हैंड कहते हैं, सेकंड हैंड कहते हैं। फिर है कैन, इसको फ्रिज आएगा, एफ आर आई डी जी ई, फ्रिज। कैरी लॉट्स ऑफ फूड बट कैन नॉट eat anything, मैं बहुत सारी चीजें फूड अपने अंदर रख सकता हूँ लेकिन खा कुछ नहीं सकता। फिर है 17 वाला, मैं देख सकता हूँ लेकिन मैं
आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ लेकिन मैं आंख नहीं हूँ, उसको बोलते हैं की होल, इससे देखा जाता है लेकिन ये आंख नहीं है। आप यू कैन नॉट कम इन और गो आउट, आप अंदर बाहर नहीं जा सकते मेरे बगैर, जरा बोलो किसके बगैर हम अंदर बाहर नहीं जा सकते, दरवाजे के बगैर, तो यहाँ पर डोर आएगा, डी ओ ओ आर डोर। एक सेकंड, हाँ फिर है 19th वाला, आई एम एबल टू टेस्ट बट अनएबल टू स्मेल, मैं टेस्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं स्मेल नहीं ले सकता, जुबान हमारी टंग, टी ओ एन जी यू ई टंग, ठीक है। वट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट, क्या है जिसको तोड़ना है तब जाके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एग, क्योंकि जब हम अंडे को तोड़ेंगे नहीं हम तब तक उसको नहीं खा सकते हैं, मतलब व्हाट गेट्स शार्पर, क्या चीज जो है जो और तेज हो जाती है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आपका दिमाग, ब्रेन, इंसान का दिमाग, आप जितना उसको इस्तेमाल करेंगे उतना वो तेज हो जाएगा, उतना वो शार्प हो जाएगा, बी आर ए आई एन, ब्रेन, ठीक है। लिखा, यहां पर आप आज का डेट लिखेंगे, आज है 10/9/21 और इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है ये दिस और दैट, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लिखिए 10/9/21, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको टिक लगाना है, द एनिमल नोन एज द बीस्ट ऑफ अ बर्डन, किस पे ज्यादा ये रखा जाता है बर्डन रखा जाता है, हॉर्स या डोंकी, डोंकी पे, तो वहां पर आपको टिक लगानी, इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं, ठीक है, आएगा करना। और अब जिनके पास ये वाली बुक है, नई वाली बुक जिनको मैंने आज ये पढ़ा है मेजरिंग डिवाइसेस, उनका होमवर्क ये वाली एक्सरसाइज है, इसके ऊपर आप होमवर्क लिखेंगे और आज का डेट लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। आया समझ? मैम इनको दो लिखने हैं जो पुरानी बुक है जी? नहीं, ये ही खाली, ये आपका होमवर्क है, ये तो मैंने आपको क्लास में ही दिखाया ना, खाली आपको ये करना है। जिनके पास ये वाली नई वाली बुक है वो एक्सरसाइज 29 करेंगे एज अ होमवर्क, गॉट इट? एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? मैम इनमें क्या लिखना है जो पुरानी बुक है, इनमें क्या लिखना है? इनमें आप, इनमें आपको टिक लगानी है, दो ऑप्शंस वहीं से देकर है, एक पे आपको टिक लगानी है, और मैं आपको, और आपको थोड़ा बहुत मेरा कैमरा अगर ब्लर आ रहा है, मैं अभी आपको इनके जो अभी हमने आज एक्सरसाइज किए ना क्लास में दोनों बुक्स के, वो मैं सेंड करूंगी ग्रुप पे, ठीक है। जी बेटा बोलिए। जो मुझे पुरानी वाली बुक है ना जी, उसमें मुझे जो आपने अभी लेसन पढ़ाया ना, नई बुक वाली हो रहा है बेटा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मैम। मैम जी, मैम जो मेरी पुरानी बुक है ना उसमें मुझे दोनों लेसन है जो आपने अभी पढ़ाए, दोनों लेसन एक ही बुक में, जरा मुझे बुक दिखाइए, ये दो बुक्स हैं जो मैंने आज पढ़ाए, मैंने आज आपको दो बुक्स पढ़ाई, जिनके पास नई है उनको भी पढ़ाया, जिनके पास पुरानी है उनको भी पढ़ाया। होमवर्क याद रहा? यस मैम।
ओके अच्छे से होमवर्क करना, और जो मैंने आज एक्सरसाइज मैम होमवर्क दिखाइए, होमवर्क इसके बाद वाली एक्सरसाइज है, ठीक है? और ग्रुप में मैंने सेंड किया जी मैम, ग्रुप में मैंने सेंड किया, यही जो जिसको अभी कैमरा में प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए मैंने वो सेंड किया। नहीं आया। अभी अभी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लास की टाइमिंग हो रही है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ माय डियर किड्स, अल्लाह हाफिज़।